दिस इज एंड वेलकम टू चैनल आज हम बात करेंगे अबाउट सम स्पेशल कैरेक्टर्स इन योर वेब पेजेस सो जब आप एच डी एम एल में कोई भी वेब पेज क्रिएट करते हो तो उसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिन्हें हम डायरेक्टली टाइप नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल

उनको हम किस तरह से प्रिंट करा पाएंगे वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं सो so, सबसे पहले तो आप अपने वही बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं वो तो हम लिखेंगे ही है ना जैसे कि आपका एच हो गया हेड हो गया उसके अंदर टाइटल हो गया टाइटल के अंदर आप अपने टेक्स्ट का कलर या बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं इफ यू वांट सो इफ यू वांट सम बैकग्राउंड कलर टू बी देयर यू कैन गिव दैट एंड नाउ आई कैन गिव दैट द साइज शुड बी लेट्स से

ठीक है और वो सेवन ग्रेटर देन लिखना भी चाहती हूँ इस तरीके से कि वो सेवन और ग्रेटर देन का साइन आए तो मैंने लिखा ग्रेटर देन और मैंने इसको सेव सेव कर दिया करने के बाद यहाँ आए और हमने इसे रिफ्रेश किया सो so, रिफ्रेश करने के बाद आपके पास ये सेवन ग्रेटर देन फाइव आ रहा है बट कुछ ब्राउजर्स ऐसे हैं जो इसको ग्रेटर देन साइन की तरह ट्रीट नहीं भी कर सकते क्योंकि ये साइन जो है वो यूज होता है टू मार्क द क्लोजिंग ऑफ योर टैग या अगर आप लेस देन साइन लगा देते हो तो इट इज यूज टू मार्क द बिगनिंग ऑफ इट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिख दू नाइन लेस देन थ्री और मैं इसको सेव करूं और उसके बाद हम इसको यहाँ पर रिफ्रेश करें तो ये दिखा रहा है बिगेज दिस इज द अपडेटेड वर्जन ऑफ ब्राउज है बट हर जगह पर ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है अगर आपको ये कैरेक्टर वहां पर शो करने हैं तो आप कैसे शो करोगे सो so, देखो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर सेवन एम्प सेन जी टी सेमी कॉलन बिकॉज जब हम एक वेब पेज बनाते हैं तो हम सिर्फ अपने कंप्यूटर के हिसाब से नहीं बनाते हम इस हिसाब इस से बनाते हैं कि वो कोई भी यूजर जो देख रहा हो वो उसे व्यू कर सके उसको कोई प्रॉब्लम ना आए तो सेवन एम्पसेंट जी टी फाइव एम्पसेंट जी टी का मतलब होता है ग्रेटर देन सो एम्पेंट साइंस से हम अपने स्पेशल कैरेक्टर्स को शुरू करते हैं और सेमी कॉलिंग से हम उसको खत्म करते हैं और जी टी का मतलब है ग्रेटर देन सिमिलर में अगर आप लिखते हो नाइन और आपको लेस देन लिखना है तो आप इस तरह से लिखोगे और इसके बाद आप अपना बजट बता दोगे नाउ यू सेव इट इट एंड यू गोना रिफ्रेश तो आप देखोगे इसमें भी आपके पास आउटपुट सेम आया है तो एम एम परसेंट परसेंट की की जगह जगह पे ग्रेटर देन आ गया पर लेस देन आ गया ठीक है so सो इस तरह से हम इन सिंबल्स का यूज कर सकते हैं इसके अलावा आपको ये भी पता है कि एच टी एम एल में जब कुछ लिखा जाता है तो आप उसमें चाहे कितने भी स्पेसेस छोड़ दो लाइक मैंने थैंक लिखा और उसके बाद मैंने बहुत सारे स्पेसेस छोड़े और उसके बाद मैंने यू लिख दिया ठीक है नाउ आई आई सेव इट इट एंड रिफ्रेश तो आप क्या देखेंगे कि थैंक यू में इतने स्पेसेस देने के बावजूद भी वो सिर्फ एक ही स्पेस दिखा रहा है तो बाय डिफॉल्ट वो सिर्फ एक ही स्पेस दिखाता है आप कितने भी स्पेसेस लीव करो तो अगर आपको यहाँ पर स्पेसेस चाहिए तो ऐसे स्पेसेस देने से कुछ नहीं होगा इसके दो ऑप्शन है पहला ऑप्शन है कि हमारे पास एक टैग है टैग नहीं कहेंगे स्पेशल कैरेक्टर है एन बी एस पी NBSP stands for New Blank Space. New Blank Space. NBSP. Emphasis से शुरू होगा, semicolon से, से खत्म होगा, and then आपको जितने स्पेसेस चाहिए उतनी बार आप इसको पेस्ट कर दो. तो जितनी बार भी पेस्ट होगा उतने ही स्पेसेस अब thank और you के बीच में आएंगे. So each NBSP leaves one blank space, right? So इस तरह से हम blank स्पेस दे सकते हैं. इसके अलावा प्री टैग होता है हमारे पास. प्री टैग में अगर हम स्पेसेस छोड़ते हैं तो जितने भी आपने स्पेसेस लीव किए हैं वो उतने स्पेसेस ही दिखाएगा अगर आपने उस चीज को प्री टैग के अंदर लिखा है

और अगर वीडियो समझ आई हो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट था समझ आया है तो लाइक पे क्लिक जरूर कीजिए शेयर द वीडियो विद मैक्सिमम ऑफ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू इन इट फॉर दिस वीडियो आई विल सी यू द नेक्स्ट वन टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ